ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ ये तोरा बोरा का इलाका है। ये सब बच्चे अपने अपने घर से एक एक रोटी लेके आए, और ये सब देखें उनको पैसे दे रहे हैं। एक रोटी ये लेके आए, एक ये लेके आए, दो ये लेके आए, सब ये अपने अपने घर से एक और लेके आ गया बच्चा। ये मंशियात का गढ़ है, अफीम आइस जितने भी मंशियात है ना, यहाँ पर कारखाने हैं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। चलो 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 चलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मेरा आज जलालाबाद में दूसरा दिन है, जैसे कि आपने पीछे भी वीडियो में देखा होगा। आज हम करीम भाई के साथ उनके गांव में जा रहे हैं। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। करीम भाई के दोस्त हैं, ये गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी में बैठ गए और आज का सफ़र हमारा शुरू हो गया। ये मेरे साथ हैं जलाल भाई और इनके छोटे भाई हैं सरफराज संगी। अस्सलाम वालेकुम। जमशेद भाई है मेरे साथ, और उनके साथ हैं करीम भाई। करीम भाई के दोस्त हैं। करीम भाई इनका नाम क्या है? राज मोहम्मद भाई। तो आज का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। ये पेट्रोल डलवाने के लिए रुके। अस्सलाम वालेकुम भाई। 235-236 रुपये पेट्रोल है यहाँ पर अफगानिस्तान में। और अभी हम अस्सलाम वालेकुम संगी जोड़े, कैसे है? ठीक है। उर्दू बोल लेते हैं? कम कम आता है। अच्छा, ये डीजल क्या रेट है यहाँ पर? 60। अच्छा, ये डीजल। और पेट्रोल कैसे है? पेट्रोल दो रखे हैं, एक वो क्या चीज़ है? वो एल पी जी 51 रुपये है। और ये पेट्रोल है यहाँ पर? पेट्रोल है 63.5। अच्छा, और ये 63 वाला कौन सा है? 63 वाला सुपर है। सुपर, ठीक है। और ये वाला 59 वाला? 59 वाला कमज़ोर है। ठीक है। ये 60 रुपये डीजल। 60 रुपये डीजल, मतलब 60, 59, 63, 3-4 रुपये का फ़र्क है दोनों में, डीजल में 4 रुपये। इस पर पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में। अभी यहाँ पर हवा भी इसकी फिल करवा रहे हैं। सफ़र बहुत दूर है, पहाड़ों के ऊपर जाना है। वो सामने आप बर्फ़ वाले पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ पर जाना है। गाड़ी को बिल्कुल टिप टॉप कर ली है, अभी निकलते हैं पहाड़ों की तरफ इंशाल्लाह। आज मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आज की जो आगे, ये बटीकोट का शहर है, यहाँ पर हम रुके हैं। इस तरफ जलालाबाद जब जाते हैं तो ये तुरखों में, तुरखों से जब आते हैं तो पहला शहर ये बटीकोट। यहाँ पर कुछ सामान वगैरह लेना है, ये फल वगैरह ले रहे हैं करीम भाई। ये पहला शहर है जब तुरखम से हम निकलते हैं जलालाबाद के लिए। हम समझ रहे थे जलालाबाद पहला शहर है, लेकिन ये बटीकोट जो है ये सबसे पहला शहर यही है, छोटा सा शहर है और इसके बाद जलालाबाद आता है। यहाँ पे ये बाज़ार है, ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ ये तोरा बोरा का इलाका है। ये अमेरिका ने यहाँ पे बम वगैरह गिराए थे, और ये सारी आबादी जो है जितनी भी है सब खाली कर दी गई थी। अभी दोबारा यहाँ पे थोड़ी बहुत आबादी हो गई है, लोग रहने लग गए हैं, लेकिन उस वक्त सब खाली कर दिया था इसको। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ढूंढ रहा है इसमें से। नहीं नहीं नहीं, ये क्या होते हैं, मिट्टी जमा कर रहे हैं, फिर सड़क पे फेंक देंगे। अच्छा, पत्थर ज्यादा पत्थर है ना यहाँ पर, इस वजह से दरमियान में से मिट्टी निकाल रहे हैं। जब बारिश होती है सारा कटे कटे हो जाता है। ये रोटी ले लिया पैसे, रोटी दिखाए रोटी
ये यहाँ से रोटियाँ वगैरह ले रहे हैं। हम रोटी नहीं लेके आए, बाकी सब कुछ लेके आए, सालन वगैरह, गोश्त, सब कुछ। कितने की एक रोटी दे रहे हैं? 25 रुपए का पानी, यानी समझ लो दोनों रोटी जो है 160 रुपए पाकिस्तानी। 160 रुपए की एक रोटी, दो रोटी, दो रोटी 160 की, दो रोटी। माड़ा बहुत बड़ी रोटी है, इतनी बड़ी बड़ी है। चेक करवाएं इसे। एक रोटी और लेके आगे बच्चा। इसको बोले और लेके आए। ये बहुत गर्म रोटी है, ये देखो अभी ताजा है क्या? ये गर्म है। ये सब बच्चे अपने अपने घर से एक एक रोटी लेके आए, और ये सब देखे उनको पैसे दे रहे हैं। एक रोटी ये लेके आए, एक ये लेके आए, दो ये लेके आए, सब ये अपने अपने घर से। एक और लेके आ गया बच्चा, गर्मी गर्मी। ये देखे सब बच्चे अपने अपने घर से एक एक दो दो रोटी लेके आ रहे हैं, और करीम भाई उनको पैसे दे रहे हैं। यहाँ पर पर्दे का इतना निज़ाम है, देखें दीवारें 10-10, 15-15 फीट बड़ी दीवारें, ये सब कच्ची आबादी आ गई। यहाँ पे स्टे किया है, और यहाँ ये संतरे वगैरह खाते हैं। गुलनबी बोल रहे हैं, गुलनबी भाई कितना सफर है आगे? तकरीबन दो तीन घंटे। जब हम निकले थे तब भी आपने बोला था दो तीन घंटे हैं, अभी तीन घंटे के बाद अभी आप बोल रहे हैं कि दो तीन घंटे हैं। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन खतरनाक भी है। अभी ये शटर बाजार में रुके हैं हम, जितने भी मकान आपको गिरे हुए नजर आ रहे हैं, ये कच्चे मकान, ये सब अमेरिका की बमबारी की वजह से हुए। और ये मंशियात का गढ़ है, अफीम, आइस, जितने भी मंशियात है ना, यहाँ पर कारखाने हैं। दो घंटे के सफर हो रहा है, दो घंटे बाद, हर दो घंटे बाद बोलते हैं दो घंटे का सफर हो रहा है। एक बात नहीं, आप तो एक ही बात बोल रहे हैं ना बार बार। हमारा एक रिश्तेदार गया हुआ था, ठीक है, तो या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। चलो 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 चलो, बर्फ़ वाले पहाड़ों का कोई अदा पता नहीं। ये पहाड़, इसके पीछे बर्फ़ वाला पहाड़ है। ये खूबसूरत नज़ारा देखें। अभी गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने के लिए यहाँ पे रुका हुआ है। ये नीचे देखें नज़ारा। बड़ी कोशिश की है हमने कि ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ तक पहुँच जाएँ, लेकिन रास्ता इतना दुश्वार है, गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा पा रही। पानी का आप शोर देख रहे हैं कितना है, वहाँ से रास्ता खराब हो गया बिल्कुल। अभी यहाँ से सामान उठाते हैं और यहाँ पर बैठ कर इधर ही कोई डेरा लगाते हैं अपना। चलें सामान उठाते हैं, आज से ही एडवेंचर हुआ। सब साथी मेरे वो पहुँच गए, मेरे पास ये सामान है, गाड़ी वहाँ नीचे खड़ी की है। सांस फूल गए, अभी चला नहीं जा रहा, अभी पता नहीं कितना ऊपर उन्होंने जाना है। चले चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकाम पे पहुंच गए हैं, यहीं पर पड़ाव डाल दिया है।
भाई लोग सब लगे हुए हैं काम करने के लिए, सारा सामान लेके आए। जलाल भाई ये क्या पका रहे हैं? ये क्या बना रहे हैं? ये अभी दस्तरखान बन पक गया, दस्तरखान को पका रहे थे। ये मैं पढ़ा था, हमें पता नहीं था। अच्छा हाँ, अभी पता चला है। राड़ा, वड़ी राड़ा, ये वड़ी राड़ा। ये सब लोग लगे हुए हैं, वड़ी ये गोश्त है। कल नमी भाई कैसा रहा सफर आपका? अच्छा सफर है, बहुत अच्छा। अच्छा रहा, थके तो नहीं है? मजेदार था। तकरीबन कितना घंटे? 8-9 घंटे। 8-9 घंटे सफर था। इसको सब्जी मब्जी भी निकालो, एक बड़ा बड़ा। ये पानी इतना ठंडा है, ये देखिए इसमें बोतल पानी और तरबूज वगैरह ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। इनको भी ठंडा करना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए मंगवाया। अरे करीम भाई कहाँ से लेके आए? ऊपर से लेके आए। बच्चों से नहीं बोलो, ये देखिए भाई करीम भाई की मेहमान नवाजी आउट ऑफ क्लास, कोई कोई हद नहीं है इनकी। बर्फ लेके आए ऊपर से। ये जो बर्फ है ना पहाड़ों से लेके आए। अमीर साहब है माशाल्लाह। ये देखे जी नीचे दरिया बह रहा है और इधर दस्तरखान लग रहा है। जबरदस्त है। बैठे जलाल भाई, आप भी बैठे। थक गए, चाय पी ले, फिर कहवा पी ले ना, फिर थकान उतर जाएगी। बेहतरीन है शेख बंदे दे। माशाल्लाह जी खाना तैयार हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल जबरदस्त है। वेरी गुड। वो खान नरम है। हाँ ये भाई बस उधर ही गरम नरम वो बटना। हाँ इनसे क्या लोग वो वो हिंदू वो बस्ते ठीक है भाई, वाली ऐसे भाई। ये जी बन गया है पठानों का, ये जो नमकीन गोश्त बनाते हैं वो वाला माशाल्लाह से। लहसुन डाला है, प्याज डाला है, सब चीज डाला है भाई। नहीं मिर्च वगैरह तो नहीं डाली ना, लाल मिर्च सब कुछ डाला, वो भी डाला है, वो भी डाला है, लाल मिर्च नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन की अंथक मेहनत के बाद खाना तैयार हो चुका है और दस्तरखान लग चुका है। ये बनाया है जी नमकीन गोश्त, इसके साथ रोश है, ये ब्रेड है जो आपने देखे रास्ते में हमने लिए थे बच्चों से, वो सलाद वगैरह बनाया हुआ है, और ये साथ पानी और फ्रूट वगैरह है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ऐसा खाना जिंदगी में पहली बार खाया है। पीछे ये सब नज़ारा है, ये खूबसूरत, नीचे दरिया बह रहा है और यहाँ पर बैठ के हमने खाना खाया। आज का दिन हमारा इतना अच्छा गुजरा है
ये सब करीम भाई की मेहरबानी से। जितने लोग भी यहाँ पर आ रहे ना, सब यहाँ सबकी मेहमान नवाजी हो रही है। ये है इनका कल्चर, जो नेचुरल चीज है ना वो कुछ और ही होता है। अभी देख रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, सब ये अपना लेके गुजर रहे थे, जानवर वगैरह लेके गुजर रहे थे। यहाँ करीम भाई ने इनको भी बुला लिया, अभी छोटे छोटे बच्चे आए उनको बुला के उनको भी ये फल वगैरह दे रहे हैं। रात्रि का सफ़र शुरू हो गया है, सारा दिन बहुत ज़्यादा घूमने और इंजॉय करने के बाद अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं और वापसी का सफ़र शुरू हो गया है।